थ्री फिल्म्स बबलू बेबीलोन से मिस्टर अभिजीत सारथी देन वी हैव अद फिल्म सरमाउंटिंग चैलेंजेस इट्स डायरेक्टेड बाय सतीश पांडे जी एंड प्रोड्यूस्ड बाय श्री अनुज दयाल एंड द थर्ड फिल्म गंगा पुत्र वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द डायरेक्टर मिस्टर जयप्रकाश हिल जॉइन एज सून एज ही कम्स यियर हिल जॉयन सो वील स्टार्ट विथ आर प्रोसीडिंग्स Uh, first, we take the film Bablu Babylon Se. It's, it's, a, it's a film, in his words, in the words of Abhijit Sati, it's given a platform to absurdity. It's an absurd comedy, and uh, it's about a lonely man, old man, who works for a company called Babylon, which owns all the trees and plants. When Bablu is sent on his last assignment by his employer, he accidentally encounters a rebel group who is planning a secret mission against Babylon. So, this is a young director who is a student of uh, uh, student of, uh, Satyajit Ray Film and Television Institute. And this movie stars Manoj Pahava, the senior actor. And he has also, uh, Abhijit has also co written a short film starring Pankaj Tripathi. And he's the director and writer of a film called On the Rocks. So we begin with you, Abhijit. First, your opening uh, remarks about the film, your experience of filming it, and what was the concept behind it. And then we'll have questions on you. Take the mic. हेलो हेलो एवरीवन मेरा नाम अभिजीत सारथी है मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन के बाद एस कोलकाता से डायरेक्शन एंड स्क्रीन पे राइटिंग में अपना डिप्लोमा किया जो बबलू बेबीलोन से है वो एक शॉर्ट फिल्म है फोर्टी मिनट्स की और मेरी एस की डिप्लोमा फिल्म है जिसमें श्री मनोज पावा जी ने एक्ट किया है इसकी पूरी स्टार्ट यहाँ से होती है इस कॉन्सेप्ट की जब मैंने एक शायरी पढ़ी थी कि कुछ लोग आए कुछ लोग पेड़ काटने आए मेरे गांव में अभी धूप है इसलिए बैठे हैं उसकी छाँव में तो ये जो शायरी थी वो मुझे काफ़ी हिट करी क्योंकि ये एक अप्सर्ड आइडिया था कि वो उसी जगह रेस्ट कर रहे हैं जिसको वो डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं और वहाँ से उस अप्सर्डिटी से एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि अगर कोई एक जगह कोई एक लोकेलिटी में सिंगल ट्री हो और उसे कोई कट करना चाहे तो किस वे में दो डिफरेंट पार्टीज जो कट करना चाहती है और जो रोकना चाहती है उनके बीच का इंट्रेक्शन होगा और वो किस वे में सटारिकल वे में हम प्रेजेंट कर सकते हैं वहाँ से एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ और जो फिर स्टोरी बनी वो बबलू वेवलॉन से रही और इसे मैंने रायपुर छत्तीसगढ़ में शूट किया अपने होम टाउन में क्योंकि वहाँ का जो टेक्सचर है वो काफ़ी रेड सॉइल वाला है और वो मेरे स्टोरी को लिए काफ़ी सपोर्टिव था एंड इस पर जब मैंने स्टोरी कंप्लीट हुई तो मेरे माइंड में फर्स्ट जो एक्टर थे वो मनोज पावर जी थे क्योंकि वो कैरेक्टर वाइज काफ़ी फिट बैठ रहे थे जिन्होंने बबलू नामक कैरेक्टर का कैरेक्टर को प्ले किया है और उनसे मैंने जब कॉन्टेक्ट किया स्क्रिप्ट भेजी उन्हें स्क्रिप्ट पसंद आई और वो रेडी हो गए बिना किसी चार्ज के क्योंकि उनको इतना स्क्रिप्ट अच्छा लगा कि वो चाहते थे किसी भी वे में इसका पार्ट बन सके तो ये हमने कोरोना के थोड़े पहले शूट किया था एंड कोरो ड्यू टू कोविड काफ़ी पोस्ट प्रोडक्शन में डील हुआ एंड फाइनली वो इस ईयर कम्पलीशन हुआ इसका चार चार दिन पांच पांच दिन में घर नहीं जा पाता था कि जो मिसिंग हो गए उनके पीछे जाना उनको बच्चों को मिलाना वो कवर करना ये मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था उस समय मेरी नई नई शादी हुई थी 2010 में 11 में जब मैं ये फिल्म उस बहुत मज़ेदार किस्सा है ये मैं बताना चाहूँगा कि नई शादी हुई थी देन मैं चार चार रात चार चार दिन गायब रहता था तो फिर लोग मेरी वाइफ भी इस बैकग्राउंड से थी नी फिल्म्स बैकग्राउंड से तो उनको लगा कि ये करता क्या है बंदा कि रात में क्या काम है शूटिंग्स का ठीक है मेला दिन में है ठीक है तो 11 12 में मेरे जो फादर इनलव थे या ब्रदर इनलवस थे उन्होंने कहा कि आप क्या काम करते हो रात रात क्यों गायब रहते हो तो मेरे पर डॉरी एक्ट लग गया फिर मैंने शुरू किया क्या करूँ फिर मैंने बहुत सारे टेप बीच में लड़ाई होती थी लेके आता था तो बहुत किचकिच होती थी घर में मैंने बीस स्टेप तोड़े हैं मेरी डी पे मैंने शूट किया है पी वन सेवन जीरो उस समय फॉर्मेट था बीस स्टेप मैंने तोड़ दिए कि नहीं बनाएंगे जाओ फिर उसके बाद फिर लगा कि नहीं हम करेंगे क्या फिर मैं मैं भी तो बिछड़ गया उसमें तो ये तो मिला रहे हैं हम कैसे मिलेंगे अपनी पत्नी के साथ तो कुछ करते हैं कि ताकि उनको भी हो जाए और मुझे भी हो जाए सेटिसफेक्शन तो बीच में मैं सेंटर फॉर थिएटर एंड फिल्म मैं बॉम्बे छोड़ दिया इसी दौरान कि मैं जा नहीं पाया दो साल उन्होंने बोला पुलिस वालों को आपको जाने नहीं मिलेगा पर ठीक है तो फिर उस समय सेंटर फॉर थिएटर फिल्म 2010 में खुला था तो मैं एज अ टेक्निकल हेड हो गया वहाँ पे टेम्प्रेरी बेसिस पे तो फिर नौकरी भी चलती रही घर भी उठा पटक चलता रहा लेकिन राजा राम तिवारी को मैंने छोड़ा नहीं मैंने कहा मैं संसार छोड़ दूंगा लेकिन राजा राम तिवारी को नहीं छोड़ने वाला हूँ तो फिर मैं मतलब तेरह कुंभ किया चौदह पंद्रह सोलह लेकिन वो टेप एकदम जंक लग गए थे पूरे तो फिर मैंने कहा अब क्या करें सोलह में मैंने बना दिया सब सोलह तक मैंने कम्प्लीट कर दिया पूरी फिल्म सोलह में उनकी डेथ हो गई तो फिर आप क्या करें टेप ऐसे ही डंप कर दिया तो बीच में एक एडिटर आते थे आ, सुमित्रो खाना एफ के पास आउट 97 बैच के पास आउट है वो तो उनको मैंने टेप दिखाया तो बोला यार देखते हैं फिर वो लेके गए कोलकाता पोस्ट प्रोडक्शन मिला में, में ही चला फिर वो उन्होंने कहा रशेस कुछ काम के नहीं है यार बहुत सारे जंक लग गए हैं बहुत उसको क्लीन करना पड़ेगा तो क्लीन किया उन्होंने फिर देखा कि रशेस तो है ही नहीं है बहुत ज़्यादा क्या करें अब तो फिर रिशूट किया सत्रह अट्ठारह उन्नीस उन्नीस में महाकुंभ आया तो फिर मैंने उन्नीस में कुछ फिल्म कम्प्लीट की करते करते फिर इधर क्राइसिस एक क्राइसिस अलग कि पैसा कहाँ से आएगा दरअसल जो बॉम्बे में मैंने कमाया वो सब खत्म हो गया शादी में खाना वाना ये सब अच्छा मेरी जो वाइफ है मेंटल डिसऑर्डर मिल गई मुझे तो उसके लिए मुझे पर मंथ एट थाउजेंड की दवा देनी थी और रेंट अलग घर का तो खैर इलाहाबाद विश्वविद्यालय मुझे तकरीबन पाँच साल नो पेमेंट्स बोला आप डिपार्टमेंट चलाओ या छोड़ दो लेकिन मुझे छोड़ना नहीं था उसका रीज़न था कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम क्या बचिया अगर शहर में रह के समोसे का दुकान खोलेंगे लेकिन बीच में यह भी आया कि मैं चाय की दुकान भी खोल सकता हूँ फिल्म बनाने के लिए तो मैंने प्रयास किया दुकान खोलने के लिए लेकिन हो नहीं पाया वो चीज़ पाँच साल गवर्नमेंट ने मुझे पैसा ही नहीं दिया है अब पूरा डिपार्टमेंट मैं रन करता हूँ एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट्स कैमरा मेरा फील्ड है मैंने गर्म मसाला गंगा जल में एसोसिएट कैमरा मैन था रोडिस में छोड़ के आया था 2010 में लेकिन फिर भी अब शहर में क्या करता वीडियोग्राफी कर नहीं सकता लोग सकता था इसलिए वो क्रिएटिव चीज़ नहीं है तो मैंने जीव जीविका चलाने के लिए मैं चाय की दुकान खोलूँगा लेकिन मैं वीडियो वो शादी का नहीं कवरेज कर सकता फिलहाल फिर वी आए बहुत सारी उठापटक हुई पाँच साल बाद मेरा फिर इंटरव्यू किया उन लोगों ने कि बीच में मैंने छोड़ भी दिया था दो दिन के लिए छोड़ दिया था फिर उन्होंने बुलाया ठीक है हम आपका इंटरव्यू करते हैं उन्होंने फिर मेरा 2019 में इंटरव्यू किया बीस हज़ार रुपये सैलरी फिक्स की 20,000 मैं 20,000 में पूरा डिपार्टमेंट चलाता हूँ डिपार्टमेंट बंद होने के कगार पे था बहुत लोग लगे कि ये डिपार्टमेंट बंद हो जाए लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे एक दूसरा प्लेटफॉर्म मिला है बॉम्बे में मैंने इतना मुकाम हासिल किया अब मैं सेकेंड पारी मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय को देता हूँ आज विश्वविद्यालय में टचवुड बहुत अच्छा कर रहा है बहुत अच्छे स्टूडेंट्स निकल रहे हैं कुछ स्टूडेंट हमारे आए भी हुए हैं सीनियर्स कुछ लोग बॉम्बे में काम कर रहे हैं कुछ एसोसिएट प्रोफेसर हो गए तो अपनी जगह लोग कर रहे हैं हम अपना काम करते रहे फिर दो में पैसे नहीं थे तो कुछ ऑर्नामेंट्स बेचना पड़ा घर का कुछ लोन लेना पड़ा गिरवी रखा कि एक दो छोटे मकान थे एक मेरे पुस्ता नहीं करता तो ये सब करते करते मुझे लगा ये फिल्म बने जिस दिन एक एक वाक्य और है कि ये फिल्म जब ईफी में सेलेक्ट होनी मतलब भेजा था उसके दस दिन पहले मेरे पास आ गई थी पूरा लास्ट डे लास्ट टाइम पाँच बज के पचपन मिनट पे मैंने सबमिट कर पाया ये फिल्म तो इसके लिए राजमनी भी बहुत बहुत हेल्प किया मेरा जो एज अ डी ओ पी है, है यहाँ के और मेरे साथ में रोहित यादव ने बहुत काम अच्छा काम किया फर्स्ट बैच का था मेरा वो बच्चा संदीप भी यहाँ बैठे हुए हैं और बाकी और सर सारे बच्चे आए यूनिवर्सिटी ने अब मुझे वो लोग दर्जा दे रहे हैं ईफी में सेलेक्ट हो गया तो लोग उस पेज पे लाइक कर रहे हैं कि इलाहाबाद में मतलब प्रयागराज में पहली फिल्म ये सेलेक्ट हुई है इसके लिए यूनिवर्सिटी क्रेडिट ले रही है ठीक है हमारा थिएटर में फिल्म है और हम, हम हमेशा रहेंगे चाहे मुझे वो पैसा दे या ना दे लेकिन मेरा ये है कि मैं उसको एकदम टॉप पर पहुँचाना चाहता हूँ और जिस प्लेटफॉर्म आप लोगों ने ये प्लेटफॉर्म दिया इसके लिए मैं बहुत शुक्र गुजार हूं कि पहली फिल्म मेरी है एज अ डायरेक्टर पहली फिल्म है मेरी मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला आगे मैं और अच्छा काम करूंगा बस सबके ओपनिंग रिमार्क्स हो गए अब प्रश्न उत्तर सबसे पहले तो मेरे पास ही एक प्रश्न है आपके लिए जो आपने ब्लैक एंड वाइट मोड में किया है उसका कोई विशेष कारण ब्लैक एंड वाइट तो किया है कि उसका फ्यूचर हम बैकग्राउंड दिखाना चाहते राजा राम तिवारी ये ये थे उसके पहले इस वजह से किया था वो उनका थॉट था ये सोचने का इसलिए था का yes. के लिए माय क्वेश्चन सेवन इयर्स बैक डेली मेट्रो व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द मूवी कर्टन रेजर फिल्म Of uh, Delhi Metro, and uh, I don't remember the title of the, that film. I think uh, uh, it was uh, "Dream That Come uh, That Will Come True," something like that was the title. Uh, can you just brief uh, a bit about the movie? I mean, sorry, can you just brief about the movie? Yeah, uh, you know that time 27 years back, there was a planning to make the uh, you know planning they were going for planning to make a metro in delhi so it was they first make a dpr that detailed project report so that was given it to me and i said i made a script out of that dpr that you know what what will be the what kind of a, a metro it will be how it is different from the railway how what will be the root cause and what are the present uh, challenges that time you know pollution level accident level and uh, the 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 transport system that time it was there and what was what, what is the planning and uh, how much money they are going to uh, uh, spend on this what will be the routes and how uh, how this uh, metro will be successful uh, in in future that was the whole uh, plan of that curtain laser film uh, okay I have one more question for you uh, you told that your main movie which is highly technical is around of two hours. So, are you focusing it also in anywhere else or any other platform? No, that is uh, DMRC's property. I mean, uh, Mr. Anuj Dal is here from the DMRC. He will tell you more <laughs> about it. See, it's already available and uploaded on YouTube, the full version. Full version, shorter version, both are available in our uh, uh, YouTube channel, Delhi Metro. So, you can watch it there. Okay. Thank you. Mr. because of metro a lot of destruction is also being made of the environment and all that have you focused on that also yes we took, actually calcutta was a difficult experience so there was a lot of disturbance to the city we took full care of that when we were constructing delhi metro and we do a detailed environmental impact assessment before we do construction what was the environment before during and after so the carbon footprint in fact has been reduced we've got scientific data about a redu reduction in carbon dioxide, reduction in poisonous gases, reduction in fatal accidents. So, the socio economic benefits of metro projects is about 20%, which is very high. The award also. For, hmm. award, uh, for environment. Yeah. yeah. Environment, uh, you know, the last uh, summit which was held uh, on COP, that environmental summit, we made a film for that also. That also was well received. सर आपने जो फिल्म में एक कटर एक एरिया में रुकता है और वहां का लोगों को शिफ्ट करना पड़ता है आ, ये दिखा है तो जनरली लोग शिफ्ट करने के लिए रेडी नहीं होते लैंड एक्विजिशन के बहुत सारे इश्यूज होते हैं लेकिन आपने इमीडिएट उन लोगों को कैसा मनाया और उसको कैसा शिफ्ट कर दिया वॉट वी डू इज वी स्टार्ट आवर कंस्ट्रक्शन वी डू कम्युनिटी इंटरेक्शन प्रोग्राम जैसे हम लोग आपस में बैठे हुए ना जो हमारे इंजीनियर्स हैं यहाँ जैसे मैं बैठा हूँ तो हमारे चीफ इंजीनियर साथ बैठेंगे सब लोकल एरिया के लोग कंस्ट्रक्शन शुरू करने के पहले ही हम बताए थे ये हमारा प्रोग्राम है ये कोई आपको दिक्कत हो तो बताइए हमें सो दे कंटिन्यूस डायलॉग नॉर्मली आप देखेंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन शुरू करती है वो आपको कोई प्रॉब्लम हो आपको पता ही नहीं किसके पास जाना है तो so, आप एम एल के पास जाते हैंक्शन सो कॉन्फिडेंस इन अस

सतीश पांडे एंड माई सेल्फ एंड सो हीस्टूड द मेट्रो वेरी वेल बोथ ऑफ सो देशन इज एक्चुअली वेरी गुड इट वेरी गुड सिनर्जी आई वुड से सो वी है वर्क टूगेदर एज अ टीम एंड इट्स बीन क्वाइट सक्सेसफुल मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा कि होता है कि जब वह फिल्म बनाते हैं तो वी हैव टू टॉक टू जैसे ब्लैक बोर्ड पर अगर किसी इंजीनियर ने मैं समझाया उसका थ्री डी ग्राफिक बनाना बहुत मुश्किल होता है और जब ग्राफिक बना के मैं वापस ले जाता हूँ तो इंजीन जो बड़े इंजीनियर्स होते हैं पर्टिकुलर अबाउट इट बट दे जहाँ पे जी आते हैं बीच में जो इन इन दोनों को गैप को ब्रिज में वो करते हैं नहीं तो बार बार ग्राफिक बना के हम लोगों को जब पास करना होता है तो बहुत मुश्किल होती है एंड ही प्ले वेरी पिविटल रोल इन गेटिंग दैट सॉर्टेड आउट वो टेक्निकल वो जैसे डॉक्टर्स के पास आपका आप जाते हैं ना आपका दे विल नॉट एक्सप्लेन योर बीमारी टू यू प्रौकरली.

Sir, uh, yes, Mahesh. Uh, my question is to Abhijit. Abhijit, this is Mahesh from PIB Mumbai. Uh, as you said, it's an absurd comedy and you had taken help of, uh, you know, subtlety to uh, give the message. Uh, do you think we are still yet not ready or there is not that much consensus about need of uh, preserving uh, environment that we have to go for, uh, you know, safeguarding the feelings and not मुझे लगता है कि ऑडियंस हर टाइम रेडी रहती है ऑडियंस के पास उतना नॉलेज है एंड उतना इंटेलिजेंस है कि वो इस टॉपिक पे या किसी भी टॉपिक पे बात कर सकती है बस उस टॉपिक को कोई इनिशियट करे बात ये होती है क्योंकि जैसे ये जो स्टोरी है जैसे मैंने बोला अपसर्ड कॉमेडी इसका बेस है पूरा सटायर सटायर जो पहले हरीशंकर परसाई शरद जोशी लिखते थे वो वैसे चीज़ों पे लिखते थे जो अभी भी रेलेवेंट है और मे भी फिफ्टी ईयर्स के बाद भी रेलेवेंट रहेगा तो वही चीज़ है कि ऑडियंस जैसे मैंने भी बोला कि ये इन्वायरमेंट के ऊपर है एक सटायर है ऑडियंस उसके लिए अभी भी रेडी है बस वही कि वो उसको इनिशिएशन चाहिए ऐसा नहीं है कि ऑडियंस नहीं चाहते कि एनवायरनमेंट को सेव करे या उसको डिस्ट्रॉय करे उनका एक थॉट प्रोसेस है बस वो उस थॉट प्रोसेस को क्लीन नहीं कर पाते कि किस तरफ स्टैंड लेना चाहिए और उनको ये भी लगता है कि स्टैंड लेने का नीड नहीं है तो फिल्म में वो भी मैंने ट्राई किया है कि जब कोई स्टैंड नहीं भी लेता है किसी चीज के लिए और वो जब चलने देता है तो उसका भी एक रिपरकशन होता है उसकी लाइफ में भी कि वो चीज़ें घूम फिर के अपने ऊपर भी आती है जैसे मैंने फिल्म में एक पोएम यूज किया है पास की कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना उसका पूरा मीनिंग ही यही है कि जब आप सोचना समझना बंद कर देते हैं और बस भागते दौड़ते जाते हैं ना तो एक वक्त आता है जब आपसे आप अपने आप से भी बात नहीं करेंगे और आपका थॉट प्रोसेस वहीं एंड हो जाएगा और आपको लगेगा नहीं कि इसके आगे मुझे जाना कहाँ है तो वो एक इनिशिएशन चाहिए हर ऑडियंस को हर सिटीजन को और उनके पास इतना इंटेलिजेंस है कि उसमें से वो अपना राइट right या रॉन्ग चूज़ कर सकते हैं बस हम उस पर फोकस नहीं करते हैं एज अ सिटीजन क्योंकि हमें लगता है वो चीज़ें हमें इम्पेक्ट नहीं कर रही बट जब हम उस पर सोचने लगेंगे ऑब्वियसली चीज़ें बदलेंगी और चीज़ें बेटर वे में ही चेंज होंगी Mike, Mike. Actually, मैं काफी ज्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए क्योंकि ये मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था फिल्म स्कूल का तो अब मैं इसके बाद इंडस्ट्री में अगर वर्क करना स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे लिए काफी हेल्पफुल था की एक सीनियर एक्टर जो मोर देन हंड्रेड फिल्म फिक्शन फिल्म कर चुके हैं और जैसे मैंने बताया कि मैंने बस उन्हें स्क्रिप्ट के साथ अप्रोच किया था एंड उन्होंने कोई चार्ज नहीं किया तो वो एक कोलेबरेटिव बेसिकली uh, ये एफर्ट uh, था हमारा कि अगर वो कुछ सजेस्ट कर रहे हैं और मुझे नहीं भी लग रहा है कि ये सही है तो वो चीज़ वो, वो इस बात को समझते कि मैं एज अ डायरेक्टर उन्हें कुछ गाइड कर रहा हूँ और ये मेरा एक विजन है जिसको उन्हें फुलफिल करना है तो उनके अंदर ऐसा कोई एटीट्यूड या घमंड नहीं था वो चाहते थे कि स्टोरी जिस वे में बेटर आए चाहे उनका जो सजेशन है वो हम माने या ना माने उनको लग रहा है कि ये किसी एक तरीके से स्टोरी बेटर वे में ऑडियंस तक पहुंच सकती है तो उसके लिए वो अपनी जितना भी एफर्ट है वो डाल सकते थे और मैंने देखा भी कि इतने फिल्मों के बाद भी उनके अंदर कितना रिहर्सल के लिए अभी वो पैशन है प्लस वो डेली नोट्स बना के आते हैं काफ़ी डिटेल्ड नोट्स जिसपे हर एक एक्सप्रेशन तक पे बात होती है तो वो काफ़ी सीखने लायक चीज़ थी कि जो एक्सपीरियंस एक्टर होते हैं थिएटर एक्टर या फिल्म एक्टर वो कितना डीप में डाइव करते हैं किसी कैरेक्टर के ऊपर और एक एक बारीकी से एक्सप्रेशन या मूवमेंट से कितना फर्क पड़ता है किसी कैरेक्टर पर तो वो चीज़ मैंने उनसे काफ़ी सीखी और होप करता हूँ मैं कि शायद ऑडियंस वो बारीकी या जो उनके नुआंसेज है उसको कैच कर पाए और देख पाए कि कितना उन्होंने इम्प्रोवाइज किया और कैसा चेंज किया कैरेक्टर को हाउ मच टाइम डिड यू यू गिव आम, शूट के लिए उन्होंने फाइव डेज दिया बट उन, उनका ये था कि वो रिहर्सल के लिए भी आना चाहते थे उनका ये प्लान था कि रिवाइपुर पे आएंगे चार पांच दिन रिहर्सल करेंगे एंड फिर उसके बाद शूट करते हैं बट ड्यू टू उनका प्रायर कमिटमेंट एक प्रोजेक्ट के लिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं हुआ बट उन्होंने शूट के लिए जितना टाइम चाहिए था वो प्रॉपरली इन्वेस्ट किया जयप्रकाश जी से एक सवाल है आपने जो गंगापुत्र में जो बिछड़े लोगों के बारे में दिखाया है कई कई बार लोग मिल रहे हैं लेकिन कई बार नहीं मिलते हैं तो उसके रिगार्डिंग क्या करते थे आ, जो नहीं मिलते हैं वो अपने घर लेके जाते हैं जो चाइल्ड हो या लेडीज हो तो दो चार दिन वो अपने पास रखते हैं अगर एक छोटा बच्चा दो लोग नहीं मिले हैं अभी तक नहीं मिले हैं तो उन्होंने बांदा एस को दिया है तो उन्होंने अडॉप्ट किया है हा? प्रॉपर अडॉप्ट किया है कुछ अपने गांव में दो दो महीना वो लोग रखते हैं खिलाते हैं मैं वहां तक गया हूं मेरे सिटी से कम से कम अस्सी नब्बे किलोमीटर दूर है तो वहां भी मैं मिल के आया हूं उनसे तो वो लोग प्रॉपर मतलब उस पर करते हैं प्रशासन उनका साथ देता है ऐसा ना हो कि अच्छा वहाँ से बच्चा चोरी बहुत होता है को तो मैंने बहुत ज़्यादा गैंग पूरी होती है वो गैंग को बचाते हैं वो लोग जितने उनके चौक खास चौक बोलते हैं वहाँ पर उनके वॉल्टियर्स रहते हैं लेकिन फिर भी बच्चा गायब हो जाता है कई बच्चे ऐसे हैं कि अभी तक नहीं मिले हैं बिहार के दो लोग दो बच्चे अभी तक नहीं मिले हैं और एम पी का दो बच्चा था जिन्होंने कुछ आ, आ, सरकारी लोग हैं जिनके बच्चे नहीं होते थे वो डी के उसमें आदेश से वो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं तो Please ask questions in mic. Otherwise, videos cannot capture it. Okay, This please. Press conference is being live streamed, so mic Ma use of mic is essential. एक इससे पहले एक वो फिल्म मैंने देखी थी जो कुंभ पर बनी थी तो उसमें उसने एक, एक कमेंट किया था कि कुछ लोग आके परपसली बच्चों को छोड़के चले जाते हैं क्या ये ये बात सच है क्या? आह मुझे तो ऐसा नहीं लगता है मुझे ऐसा नहीं लगता है कोई भी चाइल्ड हो कोई भी हो चाहे बिकलांग पैदा हो मुझे जो लगता है अगर विकलांग मेरा बच्चा पैदा होता है तो मैं नहीं छोड़ सकता हूँ ये मतलब मैं तो नहीं छोड़ सकता हूँ आगे का मालूम नहीं लेकिन मैंने ऐसा नहीं सुना है आज तक कि हाँ कुछ ऐसा मैंने सुना है जो वृद्ध है कुछ मैंने ऐसा सुना जो आप बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं जो वृद्ध माँ बाप हो जाते हैं या जो भी है उनके जो भी फैक्शन हो जाते हैं घर में वो लोग छोड़ के चले जाते हैं एक दो मैंने केसेस था मेरे में ये चीज लेकिन बच्चे को अभी तक मैंने नहीं सुना है आपने एक चीज और जो गंगापुत्र में आखिर में दिखाया है कि इनको कोई अवार्ड या रिकोगशन नहीं मिला तो क्या आपको लगता है कि अब आपने इतने साल बाद इनकी मूवी जो बनाई है इससे इनको कुछ और बड़े स्तर पे व्यापक स्तर पे कुछ मिलेगा एग्जैक्टली exactly. बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने आ, उनके जितने घर वाले हैं ये लोग बेहद परेशान हैं हालांकि उनको अवार्ड राजा राम तिवारी जी से मेरी बहुत साल बात हुई है उनको कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मैं एक धोती में जाना चाहता हूँ धोती का कुर्ता वो कैरी करते हैं मैं इसी में जाना चाहता हूँ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बट उनके जो उनके परिजन हैं जो लोग हैं वो चाहते हैं कि विश्व स्तर पर उनका नाम हो लेकिन वो हो नहीं पा रहा है अमित जी ने उनको बुलाया था ये रात है एक जिंदगी की जो इसमें फिल्म में है उन्होंने बुलाया था उन्होंने अवार्ड भी दिया है और मैं फिर 2019 में मैं अमित जी से खुद मिलने गया था फिल्म को लेके तो मैं यूज़ करना चाहता हूँ बोला इट्स अ गुड एक इंटरव्यू उनका था वो अभी भी बैलेंस है कोविड की वजह से उन्होंने मना कर दिया अभी नहीं अभी नहीं तो फिर हमको फिल्म कंप्लीट करनी थी इसलिए नहीं कर पाया लेकिन मिलना चाहिए वो पहचान मिलनी चाहिए कि इतने साल उन्होंने काम किया है मतलब कोई एक पैसे का कोई साहूकार नहीं किसी से लेना देना कुछ नहीं है अपना अनाज खुद लेके आते थे खुद पकाते थे खुद उनकी वाइफ इतनी बुढ़ी हो गई भी है उनकी वाइफ वो भी बना के खिलाती थी बहुत सेवा सत्कार करती लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए उनको और मैं इस फिल्म के माध्यम से मैं चाहता हूं कि ये पूरी कंट्री ये देखे इस फिल्म को कि ऐसे भी व्यक्ति हैं जो निस्वार्थ काम कर रहे हैं और उसको गवर्नमेंट या और लोग को जगह दे ईफी ने जगह दिया इसके लिए थैंक्स और आगे अगर जगह मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है मेरे फिल्म के माध्यम से जयप्रकाश जी मेरा क्वेश्चन आपसे है दिस इज योर फर्स्ट फिल्म एज डिरेक्टर जी तो व्हाई डिड वाई डिज डॉक्यूमेंट्री फिल्म लाइक आपने मतलब फीचर फिल्म क्यों नहीं बनाया हाँ फीचर फिल्म इसलिए नहीं बना मेरे पास पैसे नहीं है पहला चीज़ ठीक और मेरा जीवन यापन ही नहीं हो पा रहा मैम जो मेरे सैलरीज तीन तीन महीने की आती है मैं मैंने अभी बोला मेरा आठ हज़ार रुपये अभी भी, भी डॉक्टर ले जाता है एक छोटी बेबी हुई है अगर उसको डॉक्टर कहता है कि यार बुखार हो गया तो फा पाँच सौ रुपये फीस देनी होती है और छः सौ की दवा ग्यारह सौ रुपये मुझे अगले महीने इंतज़ार रहता है कि कहीं बुखार हो गया तो मैं कहाँ से लूँगा पैसे तो मैं अभी तक मेरे पेरेंट्स ने इतना सिखाया कि मैं किसी से पैसा नहीं लेता चाहे जो हो जाए मैं सड़क पे नाच के पैसा लाऊंगा लाऊंगा। अभी मैंने थिएटर किया है मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ इस चीज़ को केवल पैसे के लिए मैंने स्टेज पे डांस भी किया है कि मुझे आते वक्त पाँच हज़ार रुपये मिले इसके पहले मुझे कुछ पैसे और मिले हैं तो मैं धन अर्जित कर लेता हूँ इसलिए लेकिन हाँ हौसला बहुत है फिल्म बनाने की और फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों मुझे बहुत जहन में कि मैं फिल्म बनाऊं आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और कोशिश करता हूं अगर मुझे कहीं से कुछ पैसा मिलता है तो मेरा शौक कुछ नहीं है ना मैं ड्रिंक करता हूं ना कुछ करता हूं केवल शौक है फिल्म बनाने का लेकिन पैसा होना चाहिए उसके लिए अच्छा सिनेमा बनेगा पैसा होगा तो और अच्छा बनेगा जयप्रकाश जी जो ये आपने बता रहे हैं इलाहाबाद में कुंभ में भूले भटके शिविर यूपी पुलिस भी चलाती है जी। बाल संरक्षण वाले भी चलाते हैं अपना अपना सभी काम और पूरे मेले में घूम के करते रहते हैं वो तो ये उनका चूंकि मैं भी दस पंद्रह साल रहा सुना नहीं तो ये उनका सब्सटीट्यूट थे या इनके पहले से करते थे जिसको यूपी पुलिस ने कैरी किया इसका क्या लेन देन चूंकि भूले भटके शिविर विख्यात है और प्रयाग के मेले में हम भटक गए थे ऐसा दो फ्रेंड भी मिल दस साल बाद कहते थे कि हम लोग तो उसमें भटके मिले हैं तो कैसे इसको सब पूरा करेंगे प्रयाग के लोगों को कैसे समझाएंगे मैं बताता हूँ एक्चुअली राजा राम तिवारी के एक्सपायर बहुत लोग हैं और कुछ संस्थाएं कुछ नहीं बहुत संस्थाएं आगे आ रही हैं इस पे जो अभी लास्ट ईयर 19 में गया हुकुम पुलिस प्रशासन ने आ, बहुत सारे इंतज़ाम किए थे हाँ मोबाइल वैन ये वो ऐसा वैसा कोई काम नहीं आता है लेकिन राजा राम तिवारी एज ए वन पर्सन ऐसे हैं कि जो खोया पाया पे काम किया है उन्होंने लेकिन अब वो चीज़ें गिरती जा रही है उनका स्तर उनके लड़के आ गए हैं उनके जो बच्चे हैं वो चला रहे हैं लेकिन अभी पुलिस प्रशासन भी अपना काम शुरू कर दिया है और हेमन अधिक बहुरा ट्रस्ट उन्होंने भी शुरू किया ये चीज़ ये ट्रस्ट और जो इनफॉर्मल मैं इंस्टीट्यूशनल बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं जी। वो वेल ऑर्गेनाइज और भूला भटका शिविर का कॉन्सेप्ट जो है हर आदमी जानता है गांव गांव से आदमी जानता है भूले भटके शिविर तक पहुंचा दो इवन कई बार हमने भी दो चार लोगों को भूले भटके शिविर तक पहुंचा दिया है अपनी पर्सनल बात कर रहा हूं सब जानते हैं वहां की कोई भी भटका है और वो पुलिस का सिस्टम है मतलब उस पर ना भरोसा करने का कोई सवाल ही नहीं प्राइवेट काम कर रहा है जी जी एनजीओ तो ये भी हो सकता है कि वो उसमें आ, उसमें ये भी हो सकता है कि वो धोखा हो जाए जी जी बच्चा गायब हो जाए लेकिन पुलिस या जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है उस पर अभी भरोसा नहीं होता लोगों तो इसको कैसे करते हैं देखिए जो आप कह रहे हैं कि पुलिस लेके ले जाती है पुलिस भी वहीं लेके जाती है पुलिस भी वहीं लेके जाती है मेन सिटम उनका वही है डीआईजी साहब ने खुद उसमें मेरे फिल्म में डीआईजी आई जी को ने खुद बोला है भूले भटके चार वो पे है वही आखाड़ा नंबर चार पे ही है वो पुलिस भी वहीं ले जाती सारी संस्थाएं अपनी खोल रखी है लेकिन मेन राजा राम तिवारी का ही है पुलिस भी वहीं लेके जाती है और कहीं नहीं लेके जाएगी पुलिस अनाउंसमेंट उन्हीं के हाथ में है पूरा Uh, जयप्रकाश जी सवाल आपसे है कि कल आपने जब आपका स्क्रीनिंग हुआ था तब आपने बताया था कि ये फिल्म बनाने के लिए आपके बीबी के जेवर बेचने पड़े और आपको मुंबई से बाहर जाना पड़ा और आपने एक स्टेटमेंट किया था कि दो महीने जो बॉम्बे छोड़कर गया तो उसका करियर फिल्म्स एंड एवरीथिंग थोड़ा दूर हट जाता है इसके बारे में क्या कहना चाहते हो देखिए दो में मैंने रोडिस गया उसके बाद घरवाले ने कहा कि शादी करना है तो मैंने कहा ठीक है कर लेता हूँ तो मैंने अभी वाइफ को नहीं देखा था फोटोग्राफ्स देखा था मैंने कहा कर लेते हैं यार शादी करना है कर लेते हैं तो घर वाले ने कहा लड़की देख लो मैंने कहा मैं लड़की तो नहीं देख पाऊंगा आप लोग जैसा कहो मतलब ये मेरा सपना था कि पेरेंट्स देखेंगे मैं कर लूँगा शादी बॉम्बे में रहने के बावजूद जब मैंने शादी किया और दो दिन बाद मुझे मालूम पड़ा कि जो मेरी वाइफ है एज मेंटल डिसऑर्डर है बट वो क्लेम नहीं कर सकता ये एक वरदान मिला है ऊपर वालों को लड़कियों के लिए कि कुछ भी कर सकती हैं आई एम सो सॉरी बट ऐसा है मैंने र, मैंने उनसे बहुत मिन्नत की जो सी थे कि मैं, मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बोला नहीं आपको जेल तो जाना पड़ेगा फिर मैंने कंप्रोमाइज़ किया दो साल मुझे नहीं जाने मिला तो मैंने सारा अभी भी मेरा सामान बॉम्बे में अभी भी ऐसे ही किसी के गिफ्ट किया हुआ है नहीं जा पाया तो मैं दो साल बॉम्बे नहीं गया फिर सेंटर फॉर थिएटर फिल्म पकड़ लिया फिर ये फिल्म करने चला और क्राइसिस आने शुरू हो गई वापस बॉम्बे नहीं जा सकता था ये है जो ये, राजा राम जी के शिविर में जो लोग आते थे जी खान पान और बाकी व्यवस्था <coughs> के लिए कहां से मतलब डोनेशन के तौर पे चलता है क्या उसको गवर्नमेंट के तरफ से नहीं मैं बता रहा हूँ कुछ संस्थाएं हैं जो एन हैं वो कुछ राशन देते हैं वो लोग कुछ गवर्नमेंट भी देने लगी है उनको कुछ एक दो दिन जैसे बड़े बड़े जो मेलेज होते हैं चार पांच पाँच स्नान होते हैं वो प्रशासन पूरा व्यवस्था कर देता है इतना प्रचार होने के बाद और कुछ हमारे जो वैश्य समाज के लोग हैं जो पैसे वाले लोग हैं वो लोग भी देते हैं दान खाने का पूरा इंतजाम वो लोग करते हैं हेलो सुमेंद्र हर्स फ्रॉम वॉइस ऑफ जयपुर मेरा अभिजीत से दो क्वेश्चन है आपसे एक तो फिल्म का टाइटल को लेके हमेशा थोड़ा क्योंकि आपने जो यूज़ किया है सम वर्ड बे सो एवरीबडी वॉन्ट कि वो उसको पहले गूगल में भी डालना चाहता है कि उसको आप थोड़ा सा बताएं कि क्या है क्योंकि आपने एज ए कारपोरेट उसको दिखाया है कि मास्क पे ड्राइवर title Everywhere pin you use that B logo also. Mm -hmm. So what is the Babylon uh, word is actually you use? And my second question is that the duration of the film because when we go oh, any non-feature film uh, like short films. then your duration is 40 minutes which we feel sometime as editor point of view that maybe 30 minutes because बिकॉज कुछ कुछ आपने ऐसी जगह जैसे दोनों एक में मदर को मास्क पहने हुए गाड़ी का सीन जो आपने फाइव मिनट use किया है एक में मदर को आम खाते हुए emotional back में लिया है। तो sometime क्योंकि जो story आप दिखाना चाह रहे हैं कहीं आपको as editor एडिटर जो आपकी हैं अभी रास्ता कौन है जो आप अभी सीखा तो उस point of view से कभी आप देखते हैं कि फिल्म ट्रेवल करती है किसी

और जब शूट हुई और जब हम एडिट टेबल पे बैठे तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इसका जो रिदम है बेसिकली एक स्लो बर्न में चाहिए कि जब ऑडियंस है वो पहले सीन से ही वो एक एक्सपीरियंस के ले जाए ये ना रहे कि वो चीज़ें भागते दौड़ते बढ़ते जा रही है और उस प्लॉट पॉइंट्स को बस वो लेते जा रहा है फिल्म एक एक्सपीरियंस ऑडियो विजुअल मीडियम है जो एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है जो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं होती है जो मैं फिल्म देख के आया और अपने दोस्त को बताया और उसे पता चल गया कि मैंने क्या फिल्म देखी है तो मैं चाहता था वो एक्सपीरियंस मैं किसी वे में कन्वे कर पाऊँ ऑन स्क्रीन तो काफ़ी बेहतर है इसीलिए मुझे भी जैसे पता है कि बहुत सारे सीन्स है बहुत सारे शॉर्ट्स है जो मैं कट कर दूंगा तो भी कहानी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पर बात यह कि अगर वो कट नहीं कर रहा हूँ तो उसका एक मूड है जो फिल्म को एक अलग जोन में ले जा रहा है उसको एक सपोर्ट कर रहा है उसके जैसे मैंने बोला वियर्डनेस पे सटायर पे या एक जो थ्रिल है या एक्साइटमेंट है उस पर सपोर्ट कर रहा है अगर मैं उसको कट कर दू ना तो एक प्लेन ड्रामा हो सकता है जो मैं बनाना नहीं चाहता जो मुझे पसंद वो यह है कि वो ऑडियंस के साथ रहे ऑडियंस उस पर सोचे और कहीं पे उसको ब्रीदिंग स्पेस मिल रहा है तो वो एंटिसिपेट करे कि आगे किस डायरेक्ट में जाए बट एज अ फिल्म मेकर मैं उस ऑडियंस से एक स्टेप आगे रहूं और मैं बोलूं कि तुम प्रिडिक्ट करना चाहते हो बट प्रिडिक्ट कर पाओगे तो उस वे में उस स्लो वन के साथ वो फोर्टी मिनट आया ऐसा नहीं था कि थर्टी मिनट्स में करता और वो सेम फिल्म बनती काफ़ी चीजें कट जाती है काफी इमोशंस कट जाते हैं काफ़ी ब्रीदिंग स्पेस और पॉजेस कट जाते हैं और फिल्म काफी डिफरेंट हो जाती तो वो मैं नहीं चाहता था फिल्म का नाम हाँ फिल्म का नाम एक्चुअली बात यह है कि एफटीआई जो है पुणे पे उसके एक डायरेक्टर है कमल स्वरूप तो कमल स्वरूप ने एक फीचर फिल्म बनाई थी काफी पहले ओम दरबदर तो ओम दरद ओम दरबदर में एक सॉन्ग है बबलू बेबिलॉन से तो मैं जब भी सुनता था मेरे माइंड में एक थॉट ऐसी आता था कि अगर कोई पर्सन हो जिसका नाम बबलू है और बेबिलॉन अगर उसके स्टूडियो का भी नाम है अगर फोटोग्राफर स्टूडियो का भी नाम है वो किसी को इंट्रोड्यूस कर तो ऐसी करेगा कि मैं बबलू हूँ बेबिलॉन से और बड़ा फ़नी साउंड करता था क्योंकि बेबिलॉन स्टूडियो बट जो भी पहली बार सुनेगा उसके लिए रहेगा कि ये क्या चीज है तो वहां जब ये कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में आया था पूरी फिल्म का तब मुझे लगा कि ये फिट बैठता है टाइटल भी कि मुझे एक जो जोन चाहिए या कंपनी का नेम चाहिए एक वैसा चीज़ है जो अगर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ जैसे स्टोरी के पहले सीन में इंट्रोड्यूस करता है वो कि मैं बबलू बेबिलोन से तो आपको हुक करता है कि ये वियर चीज़ है मुझे जानना पड़ेगा इसके बारे में और बेबिलोन एक जमाने में फिफ्टीन काफ़ी पहले एक सोसाइटी भी होती थी जो काफ़ी इन भरी मतलब हरियाली से भरपूर थी और एक टेम्पर डिस्ट्रॉय हो गए थे किसी नेचुरल कैलेमिटी से तो मेरा वो था कि एक उसका रेफरेंस भी हो जाएगा प्लस एक ट्विस्ट है उस सॉन्ग के लिए कि जिस वे में वो फिल्म है काफी आर्टिस्टिक है और मैं उसी चीज को उसी सॉन्ग को लेके एक फन राइड वाली फिल्म बना रहा हूं तो मैं चाहता था कि उस जोन में ही रहूं मैं और इसीलिए जो मेरे मेन कैरेक्टर है उसका नाम बबलू रखा गया और जो कंपनी का नाम है वो बेबीलोन रखा गया फिल्म के जो लास्ट सीन में आपने दिखाया कि बबलू का भी शर्ट और उसका आईडी कार्ड को आपने हा, हा, हा। तो बाकी बाकी और भी इसी तरह एम्प्लॉय एम्प्लॉय थे थे जो नहीं, पहले नहीं, नहीं, तरह बाकी और नहीं थे, अगर आप जैसे कभी फिर से मौका मिला आपको देखने का तो आप देखिएगा की जो सारे जो स्केयर क्रोस है उसमें कई सारे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के कपड़े पहनाए गए थे स्केयर क्रोस पे कोई मान लीजिए साड़ी थी या कोई टी शर्ट है लड़के का या कोई पैंट है तो बेसिकली मैं चाह रहा था कि वो एक तो काफी सॉलिड वे में प्रेजेंट हो जाए कि ये सब ग्रेवयार्ड है एक तरीके का और जिस वे में एक मिडिल में एक डायलॉग आता है जो कैरेक्टर है फीमेल कैरेक्टर उसका कि यहाँ पे कहीं एक जमाने में काफी लोग रहते थे काफी लोग रहते थे काफी एक कॉलोनी थी और अब एक ही घर बचा एक ही पेड़ बचा है तो मैं चाहता था, था कि वो किसी इस वे में कन्वे हो कि कई लोगों की डेथ हुई कई लोग मे भी पलायन कर गए कहीं चले गए और वो एक वो है रह गए कि ग्रेवयार्ड और उसके बीच में घर रह गए और स्टार्टिंग जैसे हो रही एक आपके लिए एक नॉर्मल स्केयर क्रो है और धीरे से जब वो फिल्म के टूवर्ड्स एंड जाते हैं आप प्रिव्यू पाते हैं कि एक डिफरेंट परसेप्शन है उसका स्केयर क्रो का और आपके लिए वो रियलिटी थोड़ी शिफ्ट होती है वहाँ की तो मैं चाहता था उस रियलिटी के साथ प्ले करना मैं नहीं चाहता कि जो सामने आपको दिख रहा है आखिर में वही है वो चीज़ एक जो दिखता है और जो उसका मीनिंग होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है तो मैं उसके ऊपर थोड़ा खेलना चाहता था और इसलिए वो स्केयर क्रो के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किया थैंक यू सतीश जी आप हम लोग फेम जैसे आपने बताया है तो आप उसमें आपका करेक्टर जो मुझे याद आ रहा है या आपने क्या uh, मैं हम, हम लोग का डी ओ पी था आई वॉज ऑलवेज बिहाइंड कैमरा इन फ्रंट ऑफ दैमराज डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी फॉर हम लोग आई है जैसे इन गवर्नमेंट आर सेवरल प्रोजेक्ट्स मेड अ फाइल इज़ ऑलवेज़ यू नो लुकड आफ्टर अ न्यू प्रोजेक्ट इज टू बी स्टार्टेड सो डू यू थिंक फॉर एंड फॉर फ्यूचर मेट्रो प्रोजेक्ट्स इन डिफरेंट इफ वन हैज द गवर्नमेंट हैजू डिसड फॉर अ फॉर हैविंग अ मेट्रो वील यू फिल्म वी द फर्स्ट थिंग टू बी लुक डेटुली People were very skeptical when Delhi Metro was being built up after Calcutta's experience. Nobody thought that uh, this will be successful. People used to say that buses will ride on the uh, elevated viaduct. Of uh, the way it has been made, every metro in India is looking at us. Yeah, so definitely our film is also a catalyst. In fact, he is involved in making films for quite a few other metros also. I am also making film for Mumbai Metro, uh, Nagpur Metro, Pune Metro. Uh, already made film for Lucknow, Kanpur, Gorakhpur, Agra. So, so what about Jaipur Metro? Jaipur Metro, we have DMRCs. Uh, I already made a film on Jaipur also. Uh, we also involved in other metros like Bullet Train and the train which is going from uh, RRTS from Meerut to uh, um, Delhi to Meerut, Fasil. So I'm involved in all uh, these metros. Are you also involved with the Freight Corridor Project? Uh, not yet. <laughs> 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 Any other question, please? So, in that case, we conclude this session. Thank you all for participating here and thank you.